हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हो गया हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल में भी दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो हम जानेंगे दोस्तों फोन पे रेफर करके पैसा जो हम कमाते हैं उसे कैसे निकाले। जी हां दोस्तों, अगर आप फोन पे रेफर एंड अर्न करते हो एंड दोस्तों फोन पे का रेफर एंड अर्न करके आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर लिया है, तो उस पैसे को हम कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, उस पैसे को हम कैसे निकालें। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, मेरे पास यहां पे रेफर एंड अर्न का जो भी पैसा यहां पे है, आप लोग देख पा रहे हो 25 जनवरी 2024 को यहां पे मुझे 50 रुपये का कैशबैक मिला हुआ है रेफर एंड अर्न का। एंड दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी को ही 50 रुपया और मिला है। एंड दोस्तों यहाँ पे 100 रुपया है, एंड दोस्तों यहाँ पे 100 रुपया है। तो इस तरह से यहाँ पे रेफर एंड अर्न का जो भी पैसा रहता है यहाँ पे कैशबैक एंड दोस्तों क्रेडिट होता है आपके गिफ्ट कार्ड वॉलेट में। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे वॉलेट आप लोग को दिख जाएगा, ये गिफ्ट कार्ड वॉलेट में ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू बैलेंस का ऑप्शन है, व्यू बैलेंस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल कैशबैक एंड गिफ्ट कार्ड बैलेंस यहाँ पे आपका दिख जाएगा, जो भी गिफ्ट कार्ड का पैसा रहेगा रेफर एंड अर्न का। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप रेफर एंड अर्न करोगे तो आपका टोटल पैसा यहीं पे शो करेगा टोटल कैशबैक एंड गिफ्ट कार्ड बैलेंस में। तो इस पैसे को हम बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे एंड दोस्तों बैक आ जाना है होम पेज पे। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सी आल का ऑप्शन है, सी आल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। एंड दोस्तों ये फोन पे का न्यू अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। अगर आपको इस फीचर में ऐसा कुछ नहीं दिखता है तो आप फोन पे को अपडेट कर लेना। एंड दोस्तों फोन पे गिफ्ट कार्ड का बैलेंस यहाँ पे भी आप अपना चेक कर पाओगे। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको गोल्ड का, ठीक है। अगर आप जैसे कि विदाउट चार्ज दिए, जैसे कि आप एक रुपया भी नुकसान नहीं करना चाहते हो, तो आप उस माध्यम से भी निकाल सकते हो कि आपका एक रुपया भी नुकसान नहीं होगा और आप अपना गिफ्ट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ पैसा देकर अगर आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे गोल्ड के माध्यम से पैसा निकाल सकते हो। गोल्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे मैनेज योर लॉकर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैनेज योर लॉकर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे बाई वन टाइम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो भी आपके पास अमाउंट है आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हो या कम का भी सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन प्रोसेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वापस यहाँ पे प्रोसेड टू पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका गिफ्ट कार्ड का पैसा रहेगा शो करेगा, देख सकते हैं गिफ्ट कार्ड का पैसा यहाँ पे शो करेगा। अब बस आप यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे गोल्ड बाई हो जाएगा और आपका गिफ्ट कार्ड का पैसा से गोल्ड बाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप गोल्ड बाई कर चुके हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे अमाउंट आपका दिख जाएगा, जो भी आपका अमाउंट रहेगा जो आपने गोल्ड बाई किया है। अब आप इसे बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो तो यहाँ पे सेल गोल्ड का ऑप्शन दिखेगा, यहीं पे सेल गोल्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों जो भी आपका अमाउंट है यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट दिख जाएगा। एंड दोस्तों आपको अमाउंट डाल देना है जो भी आपका अमाउंट रहेगा। एंड दोस्तों बैंक आपका लिंक होना चाहिए फोन पे में, यहाँ पे आपका बैंक शो करेगा। देन यहाँ पे साइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन दोस्तों सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। इस प्रोसेस से दोस्तों जो भी गोल्ड आप बाय करोगे उसे आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो सक्सेसफुली। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोसेस है इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में पैसा ऐड हो जाता है गोल्ड बाय करके, गोल्ड सेल करके, ठीक है। बट दोस्तों जो गोल्ड आप बाय करोगे उसे आप यहाँ पे काफी टाइम 24 आवर्स या 48 आवर्स बाद ही सेल कर सकते हो। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आ चुका है, हमारा जो भी अमाउंट था यहाँ पे ऐड हो चुका है बैंक में, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये हो गया आपका पहला ट्रिक, जो भी आपका गिफ्ट कार्ड का पैसा है रेफरल, जो भी पैसा आप इस माध्यम से निकाल सकते हो। या दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है, आपको क्या करना होगा, एक है क्यूआर कोड आपको लेना होगा, जो क्यूआर कोड मर्चेंट क्यूआर कोड हो, वेरीफाई क्यूआर कोड हो, और आप मर्चेंट क्यूआर कोड प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे विदाउट यहाँ पे कोई चार्ज दिए आप पैसा निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, गिफ्ट कार्ड का जो पैसा होता है आप मर्चेंट क्यूआर कोड पे निकाल सकते हो विदाउट चार्ज दिए, ठीक है। तो मर्चेंट क्यूआर कोड आपके पास होना चाहिए फोन पे का, और वेरीफाई मर्चेंट क्यूआर कोड होना चाहिए जिसका केवाईसी वगैरह हुआ हो, तो आप निकाल सकते हो मर्चेंट क्यूआर कोड के माध्यम से भी। ये दो ट्रिक थी दोस्तों, अगर आप फोन पे में रेफर एंड अर्न करके पैसा अर्न किए हो
इस दोनों माध्यम से आप निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।